थोड़ा गुड़ सा सम्मेलन गुड़ सा कथा नहीं है तो सम्मेलन की कल बात का प्रसंग सुनाया उन्हें कह रहे थे लेकिन वो गुड़ है अलग है वो विशेष है। आज पंच दिवसीय मानस सम्मेलन का तीसरा दिवस है। यह मध्य का दिवस है, दो दिन व्यतीत हो चुके और आज के पश्चात दो दिन शेष रह गए। जनता भारी संख्या में आती है और मानस के गूढ़ प्रसंगों का आनंद लेती है। हमारे वक्तागण मानस के छिपे हुए गूढ़ अर्थों को, भावों को स्पष्ट करते हैं और जनता सुनकर विभोर हो जाती है। आज रामचरितमानस सम्मेलन का तृतीय दिवस है और विगत दो दिनों में हमारे वक्ताओं ने बालकांड पर आधारित अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें प्रमुख रूप से जस मानस जय विद भयो जग प्रचार जय हेत सो सब कहो प्रसंग सब सुनो सुमिर उमा वृष केत। तो इसमें रामचरितमानस के मौलिक उद्देश्य, राम नाम की महिमा और राजा भानु प्रताप इतना पुण्यात्मा होते हुए भी कैसे किस प्रकार से अगले जन्म में रावण हुए और महाराज दशरथ किन पुण्यों के प्रताप से भगवान राम को ब्रह्म रूप में अवतरित करने में सफल हुए, पुत्र रूप में प्राप्ति हुई। पंचवटी के प्रसंग में कल डॉक्टर प्रोफेसर ब्रजेश दीक्षित जी ने उस वाटिका का प्रसंग प्रस्तुत किया। चातक कोकिल कीर चकोरा के भाव में उन्होंने पक्षियों को रूपक मानते हुए चातक के रूप में स्वामी तुलसीदास जी और कोकिल के रूप में आदि कवि वाल्मीकि जी को और कीर के रूप में पुराणों के रचयिता वेदव्यास जी तथा चकोर के रूप में कीर के रूप में सुखदेव जी महाराज और चकोर के रूप में वेदव्यास जी महाराज को प्रस्तुत किया और मोर के रूप में तो स्वयं सभी संत और सभी लोग। बहुत बड़ा मार्मिक प्रसंग जो कि श्रीमद् भागवत के राजपंचाध्यायी को संस्कृत में जिन भावों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, रामचरितमानस में पुष्पाटिका का वही महत्व है। और आज तृतीय दिवस में जैसा कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी जी ने बताया कि आज अयोध्या कांड पर आधारित कुछ प्रसंग प्रस्तुत किए जाएंगे और भगवान के लोक कल्याण हेतु वनवास गमन और भरत चरित इत्यादि पर प्रकाश डाला जाएगा। और हमारे सभी वक्ता बड़े ही विद्वान और मनीषी हैं, उनका सभी आनंद श्रोता लोग लेंगे। जय श्री राम। मैं डॉक्टर धन्नूलाल गौतम यहाँ कई वर्षों से इस रामचरितमानस सम्मेलन से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय श्री त्रिपाठी जी के साथ जो अपने वरिष्ठ नागरिकों का यहाँ संगठन है, जिनके माध्यम से निरंतर सतत जो है रामचरितमानस सत्संग होता है वरिष्ठ नागरिकों का, तो मुझे आने का सौभाग्य मिलता है। तुलसी जयंती पर भी मेरा आगमन होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। झांसी का एक विशेष कार्यक्रम है इस क्षेत्र में होने वाला। वास्तव में हम लोगों को इस वर्तमान में इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि हम आपस में एकजुट होकर और इस भारत देश की संस्कृति को, सद्भाव को, प्रेम को अपनाए रखें। मैं देवी शंकर मिश्र, मंत्री मानव समाज श्री सत्यनारायण सत्संग समिति। आज जैसा कि परिपाटी चली आ रही है, पंचदिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आज इस
2021 का आज तृतीय दिवस है और यहाँ पर पूर्व की भांति संत विद्वान पधारते हैं और झांसी के गणमान्य व्यक्ति सांसद और विधायक और इसी प्रकार से अन्य गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित होते हैं। आज तीसरा दिन है, कथा बड़ी रोचक हो रही है और पूर्व की भांति लोग बराबर दिन पर दिन जो है यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है, महिलाओं की, पुरुषों की और युवा वर्ग भी आकर्षित है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम अपनी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है और भगवान से हमारी प्रार्थना है कि इसी प्रकार जन सहयोग हमें मिलता रहे और यह कार्यक्रम अपनी उच्चतम सीमा तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।